माय चैनल इट्स मी श्रुति मिश्रा। सर आज मेरा रिव्यू एंड डेमो होने वाला है एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में। इसको लॉन्च हुए सिर्फ और सिर्फ एक मंथ हुआ होगा अप्रॉक्स, एंड इसको मैंने परचेज काफ़ी पहले कर लिया था लेकिन ये आने में थोड़ा लेट हो गए। सो गाइस ये है हमारा ओले का स्किन फ्यूजन मास्क, कैमिलिया नरिशिंग शीट मास्क, हेल्प्स रिलीव स्किन स्ट्रेस, 2-in-1 इंस्टेंटली हाइड्रेट। मतलब कि 2-in-1 मास्क है, आपके स्ट्रेस को कम करेगा और साथ ही साथ ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। ये वन शीट मास्क है, इसका प्राइस 199 रुपीज़ है और शेल्फ लाइफ 36 मंथ्स की है, तो मतलब 3 ईयर्स की, 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें अवेलेबल है 2 से 3 वेरिएंट और मैंने इसको परचेज किया था नायका से। ये नायका पे इजीली अवेलेबल है, लोकल स्टोर्स में भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने जब नायका में परचेज किया था तो ये मुझको 140 या 150 रुपीज़ अप्रॉक्स मिल गया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरा नया वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ उसे लाइक जरूर करिए। तो गाइस चलिए अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की। तो ये इस तरीके की नॉर्मल पैकिंग में आता है, फ्रंट पे इस तरीके का पिंक कलर है, बहुत अट्रैक्टिव है, और बैक पे प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल मेंशन की गई है। और क्लेम की तो फ्रंट में गाइस पहले मैं क्लियर करती हूँ इसमें लिखा क्या है। इंस्टेंटली हाइड्रेट्स स्किन फॉर अप टू 8 आवर्स विद जैपनीज कैमिलिया एंड निक्रेमाइट अल्ट्रा सॉफ्ट शीट इन्फ्यूज विद कैमिलिया ऑयल। तो मतलब ये जैपनीज कैमिलिया एंड निक्रेमाइट से बना हुआ है, स्किन को इंस्टेंटली हाइड्रेट करता है 8 आवर्स के लिए। और गाइस जैपनीज लिखा तो है लेकिन ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, तो ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है। बात करें इसके क्लेम की तो ये कहता है दिस हाइड्रेटिंग शीट मास्क हेल्प्स टू रिपेयर ड्राई स्किन बाय नरिशिंग स्किन विद इंटेंस मॉइस्चर फॉर अप टू 8 आवर्स। इट आल्सो हेल्प्स टू रिलीव स्किन स्ट्रेस कॉज बाय ड्राइनेस विद जैपनीज कैमिलिया दैट नोन टू रिच इन ओमेगा 6 फैटी एसिड एंड मॉइस्चराइजिंग लिपिड्स विद निक्रेमाइड अल्ट्रा सॉफ्ट शीट इन्फ्यूज विद कैमिलिया ऑयल। तो अगर मैं बात करूँ गाइस इन शॉर्ट तो कहता है स्ट्रेस को रिलीव करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अपने फेस पे कोई शीट मास्क लगा के कुछ देर रेस्ट करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, तो स्ट्रेस ऑब्वियसली बात है कम होगा। और दूसरी चीज़ है ये ड्राई स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करेगा, तो इसमें सीरम मिक्स किया गया है तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करेगा। सो गाइस ये थी इस प्रोडक्ट की डिटेल। अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट की तो ये इसमें काफ़ी सारे केमिकल हैं एंड इसमें आपको पैराबेन नहीं मिलेगा, बाकी बहुत सारे केमिकल आपको मिल जाएंगे। ग्लिसरीन भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और इस तरीके के इंग्रेडिएंट हैं। बाकी इंग्रेडिएंट का स्नैप मैं आपको स्क्रीन में दे दूंगी, आप डेफिनेटली इसको रीड कर सकते हैं। गाइज इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छे से मेंशन की गई है, ये मुझे इसके बारे में बात पसंद आई। अब यूज़ करने का जो तरीका है तो इसको आपको अपनी शीट को रिमूव करना है फिल्म से एंड उसके बाद पिंकिश कैमिलिया मास्क को अपने साफ क्लीन फेस पे लगाना है 15 से 20 मिनट्स तक। रिमूव मास्क एंड जेंटली मसाज रिमेनिंग एसेंस इनटू द स्किन, नो रिंसिंग रिक्वायर्ड। मतलब कि आप आपको अपने फेस इसको शीट से निकाल लेना है, इसको अपने फेस पे जो पिंक वाली शीट है उसको अपने फेस पे लगाना। ये बात 15 से 20 मिनट तक आप इसको अपने फेस पे रखें, उसके बाद जो भी एसेंस है मतलब कि जो भी सीरम है उसको आप अपने फेस पे मसाज कर सकते हैं ताकि वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। सो गाइस मैंने इसको जब अप्लाई किया था ये बराबर मुझे बहुत कूलिंग लगी, बहुत ठंडी ठंडी लग रही थी जिसकी वजह से काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा था और स्किन को इसने काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कराया, जो कि इसमें एसेंस मिक्स किया गया है तो वो काफ़ी अच्छे से स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और जो इसमें कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत अच्छा वाला एक फील देता है, मुझे बहुत पसंद है। एंड उसके बाद आप मेरा एंड रिजल्ट देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर वाला। ये एक्सटर्नल कॉशन दिए गए हैं कि ये स्किन इस पे कांटेक्ट ना करें और
अगर हो जाती है आइस पे तो आप इसको वॉश कर लें इस तरीके के। बाकी रिकमेंडेड टू यूज़ विद ओले टोटल इफेक्ट SPF 15 डे क्रीम फॉर फ्रेश एंड रेडियंट स्किन, मतलब कि आप इसको ओले की SPF 15 डे क्रीम के साथ यूज़ करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। सो गाइस, ये थी ओले की शीट मास्क। अगर रिकमेंड करने की बात करें तो गाइज़, ये शीट मास्क का शौक है, जिनको शीट मास्क पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, बाकी मास्क पसंद है वो ट्राई कर सकते हैं। हाँ, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ओले स्किन इन्फ्यूजन मास्क के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जस्ट बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।